शंकर जी विराजमान है देवी स्थान पर। जो मेन गेट है अमना वाले वो है साथ ही पीछे देखो ये डाल के समझ आ रहा और बाकी नंदा का आवाज तो बहुत आए हैं गरुड़ जी के मंदिर आपको दर्शन देने के लिए। और हमारे पीछे कुंड, इस कुंड से ही मूर्तियाँ निकली थी। ये देखिए दर्शन करिए पीछे हमारे, इस कुंड से मूर्ति निकली थी जिसका आपको हम दर्शन देंगे, राय राधे और पूरी जानकारी देंगे। आ गया गरुड़ गोविंद मंदिर, देखिए आप गरुड़ गोविंद मंदिर। मंदिर देखिए जो मेन गेट है, ये मंदिर आ चुके हैं, मेन गेट है देखिए। ये छवि रणवीर देखिए, ये अंदर गेट में ये चंदन ने गरुड़ गोविंद दर्शन कर लिए। इसके ऊपर भगवान श्री विष्णु विराजमान है, संग में विष्णु प्रिय लक्ष्मी है और संग में बालकृष्ण भगवान है। पूरे विश्व का इकलौता विग्रह है जहाँ पर भगवान की 12 भुजाएं हैं। 12 भुजाओं में भगवान ने कंठी, पीताम्बरी, सुदर्शन चक्र, पांचजन शंख, कौमुदी नाम की गदा, मूसल, खड़क, फरसा इत्यादि ग्रहण किए हुए हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर बिल्कुल वैसे ही विराजमान है जैसे मनुष्य घोड़े के ऊपर होता है, दोनों तरफ चरण करके। भगवान के एक चरण के नीचे सत्यभामा जी और दूसरे चरण के नीचे रुक्मणी जी विराजमान है। सत्यभामा जी को त्याग का और रुक्मणी जी को वैराग्य का चरण माना गया। दोनों ही विग्रह आज से 250 वर्ष पूर्व स्थापित हैं और 5000 वर्ष पहले बनाए गए थे भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ जी द्वारा। वज्रनाभ जी ने ब्रज में राज किया तो 4 काले ठाकुर बनाए और 4 महादेव बनाए। तो 4 काले ठाकुरों में से 1 काले ठाकुर यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर काल सर्पयोग दोष की पूजा की सबसे बड़ी महत्वता है। पूरे विश्व में ये पूजा 3 जगह होती है, उज्जैन, नासिक और यहाँ पर। यहाँ पर महत्वता क्यों बढ़ गई उसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण है कि गरुड़ जी जो है सर्पों तथा मछलियों का ही भक्षण करते हैं। दूसरा, जब गरुड़ जी भक्षण करने जाते थे वृंदावन नागों का तो नागों के देवता वासुकी को चिंता हो गई कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने भगवान से अर्जी लगाई। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि वृंदावन के सुनरक गाँव में सौबरे ऋषि तपस्या किया करते थे। तो वो एक दिन तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी उनके ऊपर से भक्षण करते हुए जा रहे थे। भक्षण करते करते उनके मुख से सर्प गिर पड़ा। जैसे ही सर्प गिरा तो ऋषि मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि गरुण यदि तू वृंदावन की सीमा में आया तो भस्म हो जाएगा। श्राप लगने के बाद यही वो पवित्र स्थल, पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री विष्णु ने प्रकट होकर गरुण को विश्राम दिया और अनुमति दी कि यहीं पर तुम भक्षण करोगे। संग में विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी को भी यहीं पर विश्राम है। उसका कारण है कि वृंदावन जो है प्रेम की नगरी है जहाँ पर राधा का वास है और लक्ष्मी जी जो है चंचला देवी। तो चंचलता और प्रेमता में फर्क के कारण भगवान ने यहाँ पर विश्राम दिया और बेलवन में विश्राम दिया, मैया को 2 जगह विश्राम दिया। आज से 250 वर्ष पूर्व स्थापित किस प्रकार है, 1703 तक औरंगजेब का शासन रहा तो इस विग्रह को दबा दिया गया। उसके बाद आज से 250 वर्ष पूर्व यहाँ पर संत आत्माराम तपस्या किया करते थे तो उन्हें गोविंद का स्वप्न आया कि मैं यहाँ पर दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो पीछे एक कुंड है वो खोदा गया, उसमें से प्राकट्य नहीं हुआ। फिर दोबारा स्वप्न आया गोविंद का कि मैं तुम्हारे और पास हूँ आत्माराम, तो दोबारा कुंड खोदा गया जिसे हम गरुड़ गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। उस कुंड में से दोनों विग्रह का प्राकट्य हुआ और यहाँ पर स्थापना की गई। फिर महर्षि गौतमों के वंशजों ने यहाँ पर सेवा पूजा का कार्य संभाला और संभाल रहे। नामों को लेकर बड़ी लीला है यहाँ पर।
गरुड़ गोविंद नाम कैसे पड़ गया यदि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो? गोविंद मतलब ग्वाला और भगवान ग्वाला बने ब्रज में, तो उस समय ब्रज की सीमाएं बहुत 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 बड़ी थी, तो उस ब्रज की सीमाओं में फैल गया कि गरुड़ के ऊपर एक ग्वाला सवार हो गया, गरुड़ के ऊपर गोविंद सवार हो गया, गरुड़ के ऊपर विष्णु सवार नहीं है, गरुड़ के ऊपर एक ग्वाला सवार हो गया है, तो इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गरुड़ गोविंद। संघ में छठीकरा, भगवान जिस स्थल पर है वो छठीकरा है, ये वृंदावन की सीमा से बाहर एक गाँव है छठीकरा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के हुए तो उनकी पूजा की गई, छठी पूजी, तो इस गांव का नाम पड़ गया छठीकरा। छठीकरा में भगवान ने यहाँ पर छठी पुजवाई, तो यहाँ पर इस स्थल पर वास किया। इस वन को हम बोलते हैं षडंग वन, भगवान जिस वन में वास करते हैं उस षडंग वन में वास करते हैं, और कहा जाता है और माना जाता है कि भगवान रात्रि को गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर इस वन में निरीक्षण करते हैं, वन का आनंद लेते हैं, यहाँ की महत्व का। शंकर जी विराजमान है, देखिए सामने जी वो कुंड देखिए, इससे मूर्ति प्रकट हुई थी। एक गर गोविंद की मूर्ति प्रकट हुई थी, देखिए मनोकामना वाले वो है साथ ही पीछे देखो, इधर दाल वाली दाल टिक्कर बनता है साइड में, दाल बाटी होती है, ये बहुत भंडार है, भंडारे इधर होते हैं, ये पूरा मंदिर देखिए, ये परिक्रमा है, ये मंदिर मुख्य द्वार पे आ रहा है। और बाकी नंदगावाल तो बहुत सारे।